चाइना का रॉकेट हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, अब ये धरती की तरफ बहुत ही तेजी से वापस आ रहा है और किसी भी देश का कर सकता है बहुत ही भयंकर नुकसान। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में आज खबरी दुनिया की रिपोर्ट में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल अभी का ज्ञान में। आइए जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के ऊपर आते हैं। चाइना का रॉकेट हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए, आप सभी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो पता ही होगा, अलग अलग देशों ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन को बनाया है, लेकिन चाइना जो है ना, ये औरों से अलग ही रहता है, ये कभी दूसरे देशों के साथ मिलता ही नहीं है। चाइना चाहता है कि ये खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाए और इनका कहना यह है कि 2022 तक इनका स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से बन जाएगा। हालांकि भारत का भी लॉन्ग टर्म प्लान है, भारत खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। अब चाइना के स्पेस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। चाइना कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, चाइना क्या करता है, धरती पर ही रहकर जो स्पेस स्टेशन के कंपोनेंट्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं, इन्हें कंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद रॉकेट के जरिए इन्हें अंतरिक्ष में भेज देता है। तो इनका जो स्पेस स्टेशन है, इसका नाम क्या है, वो है टियान है। अब हाल ही में चाइना ने क्या किया था, इनके पास एक रॉकेट है जिसे कहा जाता है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। अब इस रॉकेट का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने स्पेस स्टेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट अंतरिक्ष में भेजा था। अब इन्होंने इस कंपोनेंट को अंतरिक्ष में तो भेज दिया, लेकिन जो रॉकेट इसे अंतरिक्ष में लेकर गया था, जब ये वापस आ रहा था धरती पर, इसके ऊपर से चाइना ने कंट्रोल खो दिया। यानी कि चाइना अब इस रॉकेट को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। अब ये किसी भी समय पर धरती पर किसी भी देश पर जाकर किसी भी कोने में गिर सकता है और तबाही मचा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रॉकेट धरती पर कहां पर गिर सकता है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसका वजन है 21 टन, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए, बहुत सारे देश इसे ट्रैक कर रहे हैं, यूएस भी इसे ट्रैक कर रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिक भी इसे ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट, जिनका नाम है जोनाथन मैकडोवेल, आप इनका ट्वीट भी देख सकते हो, ये भी ट्रैक कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मैक्सिमम चांस से गिरने का कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये हो सकता है न्यूयॉर्क पर गिरेगा, या फिर मैड्रिड पर गिरेगा, या फिर इनफैक्ट जो बीजिंग शहर है यहां पर भी गिर सकता है। देखिए, साउथ एशिया पर गिरने का चांस बहुत ज्यादा कम है, वैज्ञानिकों का कहना है, यानी कि भारत के ऊपर गिरने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में भी गिरने का चांस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर गिरेगा तो सबसे ज्यादा खतरा है न्यूजीलैंड के ऊपर और चिली के ऊपर, तो इन दोनों देशों के ऊपर खतरा है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले ही थोड़ा सा पहले अगर हम जाएंगे 2020 को भी ऐसा हुआ था, जहां पे चाइना ने अपने रॉकेट के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। उस रॉकेट का वजन कितना था, 18 टन, उसका नाम क्या था, डेब्रिस। अब सबसे अच्छी बात तब ये थी कि ये जाकर अटलांटिक ओशन में गिर गया था, और कुछ कुछ जो मलबा है, यानी कि कुछ कुछ मेटालिक रॉड्स, ये अफ्रीका की कुछ बिल्डिंग्स में जाकर तबाही मचा दी थी, लेकिन ये बहुत सेफ था तब। अब 2020 में तो बहुत बड़ी तबाही नहीं मची थी, लेकिन कहा ये जा रहा है, वैज्ञानिकों का कहना ये है कि इस बार ये जो आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट है ना, ये बहुत भयंकर तबाही मचा सकता है। अब ऐसे में आपको चाइना के इस कारनामे के बारे में क्या कहना है, क्योंकि चाइना तो अपना काम कर देता है, चाइना ने अंतरिक्ष में अपना जो कंपोनेंट है ये तो भेज दिया है, लेकिन नुकसान किसका होता है, दूसरे देश का होता है। तो चाइना के बारे में आपको क्या कहना है, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा। फिलहाल आज की खबरी दुनिया की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।